अगर आपको सिर्फ वही कॉलेज ड्रामा वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं, अगर आपको हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली मैंने देख ली है कैंपस डायरीज़, जो कि यहाँ पे एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज़ है। सो ये वेब सीरीज़ क्यों आपको देखनी चाहिए, क्या खास बात है इसमें, क्या वही घिसी पट्टी वाली कॉलेज रोमांटिक स्टोरीज़ ही है या कुछ और डिफरेंट भी है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। इसमें स्पॉइलर नहीं होंगे, नॉन बायस्ड होने वाला है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आ जाए रिव्यू लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं रिव्यू, पहले डिस्कस करते हैं स्टोरी। तो स्टोरी है यहाँ पे 6 दोस्तों की जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं एक्सल यूनिवर्सिटी में। अब उनके जो कैंपस लाइफ में जो है, मतलब उनके कॉलेज लाइफ में जो है, वो क्या क्या चीज़ें जो है फेस करते हैं, यानी कि रैगिंग हो गया, नहीं तो आप हार्ट ब्रेक हो गया, नहीं तो यहाँ टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया, एंड पीयर प्रेशर हो गया, पढ़ाई का प्रेशर हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो अब बात करते हैं हम यहाँ स्क्रीन प्ले की। तो देखिए गाइज, यहाँ पे स्टोरी जो है वो कुछ ज़्यादा न्यू नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे हम लोग स्टोरी देख चुके हैं। ऐसे वेब सीरीज़ हो गया, फिल्म हो गया, ऐसी टाइप की जॉनर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूथ के लिए बनाई जाती है, और ये यूथ को टारगेट करके ही बनाई गई है। सो ये सीरीज़ जो है, मुझे नहीं लगता कि भाई, मतलब सीरीज़ बोल रही हूँ, ये स्क्रीन पे जो है मुझे नहीं लगता सबको ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा डेप्थनेस नहीं है, कैरेक्टर में ज़्यादा डेप्थनेस नहीं देखा मैंने। एंड ऊपर से यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें जो है दिखाई गई है, जो कि यहाँ पर आप लोग ने देख चुकी है, तो ज़्यादा कुछ न्यू नहीं है। एंड कहीं कहीं पे जो है आपको स्क्रीन प्ले अच्छी लगेगी कि भाई हाँ, ये सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स, जैसे मैंने बोला कि स्टोरी में कि पीयर प्रेशर, टॉक्सिक रिलेशनशिप, पहला प्यार, एंड यहाँ पे बहुत सारी जो पीयर प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, रैगिंग, कॉलेज लाइफ में कैसे कैसे टाइप के लोग मिलते हैं और कैसे फ्रेंडशिप होता है, वो सब कुछ तो दिखाया गया है। तो वो भी बहुत अच्छी बात है कि भाई एक ही एस्पेक्ट को नहीं पकड़ा है कि भाई पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं, मस्ती ही कर रहे हैं सिर्फ, ऐसा भी नहीं दिखाया गया। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि सब में बैलेंस है। और यहाँ पर और एक अच्छी बात है, यहाँ प्रोडक्शन वैल्यू भी मुझे यहाँ ठीक ठाक ही लगा। सेट्स जो है, मतलब जो पूरे रियल कॉलेज में शूट किया गया है, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जगह जगह में सिनेमाटोग्राफी भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो इन शॉर्ट बोलूँ, यहाँ पे स्क्रीन प्ले भले ही इतनी अच्छी नहीं हो, स्टोरी में इतनी ज़्यादा पोटेंशियल नहीं हो, लेकिन अदर एस्पेक्ट्स जो है वो अच्छे काम करते हैं। सो यहाँ पे और अच्छा कैरेक्टराइजेशन हो सकता था। एंड कोई, मैं और एक बात बोल दूँ, ऐसा कोई कैरेक्टर भी नहीं है कि आपको डीपली मतलब छू जाए, नहीं तो आप रूट करो उसके लिए कि भाई नहीं, ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है, नहीं तो ये कैरेक्टर जो है भाई मेरा दिल, मतलब मेरे दिल में बसता है, नहीं तो मेरे दिल, दिस कैरेक्टर हैज़ माई हार्ट, दिस टाइप ऑफ थिंग विल नॉट हैपन विद दिस सीरीज, जो कि मुझे बिगेस्ट ड्रॉबैक लगी। तो यहाँ पर स्टोरी भी, स्क्रीन पे ओवरऑल बोलूँ तो भाई एवरेज टाइप की है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे कास्ट के काम की। तो देखिए कास्ट में यहाँ पे हर्ष बेनीवाल भी हैं, यहाँ पे सलोनी गौर है, सलोनी पटेल है, यहाँ पे ऋत्विक साहोरे हैं, अभिनव शर्मा भी है, एंड यहाँ पे सृष्टि गांगुली रिंदानी भी है। तो इन सब का काम जो है वो मुझे डिसेंट ही लगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा है मुझे, जबकि ये सारे एक्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन हम लोगों ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या अमेजिंग आउटस्टैंडिंग वाली एक्टिंग इसमें नहीं देखी। तो अब बात करते हैं हम यहाँ डायरेक्शन की। तो यहाँ पे प्रेम मिस्त्री जी का जो डायरेक्शन है ना, वो एक्चुअल में मुझे डिसेंट लगा, और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता था, मुझे ऐसा फील हुआ है। एंड ओवरऑल बोल दूँ तो अप टू द मार्क नहीं है डायरेक्शन भी। तो अब बात करते हैं हम यहाँ रेटिंग्स की। देखिए गाइज, आई विल रेट इट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार मेरी तरफ से। इट्स लाइक प्रिटी वन टाइम वॉच। अगर आपको बहुत सारी चीज, मतलब जो क्या कहते हैं, अगर आपको सिर्फ वही कॉलेज ड्रामा वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं, अगर आपको फ्रेश कॉन्सेप्ट हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप इस सीरीज़ को देख लो, चॉइस इज़ योर्स। सो कैसी लगी आपकी रिव्यू, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की खटखटखट की आवाज़ आ रही होगी, सो सॉरी, उसे बेयर कीजिए, क्योंकि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, आई कॉन्ट डू एनीथिंग, आई एम हेल्पलेस कम्प्लीटली। सो जल्दी से कंस्ट्रक्शन वर्क ख़त्म हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। सो मैं आपसे मिलूँगी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।